शुक्रवासर नानानां गोत्राणां ब्राह्मणेभ्यो सहितायः श्वकी पूर्व पितृः श्रीपरशुराम जयन्ती उपलक्ष्याः सकल ब्राह्मण परिवारः सहितायः पूजनाम् अहं करिष्ये। ॐ हरिः पूजन प्रारंभ। Bye.
कभी हम किसी मंदिर का, कभी हम किसी धर्मस्थली का, किसी कार्यक्रम का आयोजन परिपूर्ण रूप से कर पाएंगे, क्योंकि एक कार्यक्रम को करने के लिए, उसको सुनियोजित रूप से चलाने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए हर किसी एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, हर किसी एक व्यक्ति एक समाज की जरूरत पड़ती है। आज कम संख्या में हम लोग हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत कम समय में इसका आयोजन रखा गया। आज दो दिन पहले इस पर विचार विमर्श हुआ, सचिव बाबा है, सचिव सचिव बाबा है एवं इस विमान भवन के संचालक नीरज उपाध्याय, सभी से राय विमर्श हुआ कि इस कार्यक्रम को किया जाए। अल्प समय में मास दो दिन के अंदर इस कार्यक्रम को करने का निर्णय लिया गया और एक अच्छा सभी का सहयोग मिला। लेकिन इतना जरूर है आप सभी से और आप सभी के सहयोग से, भगवान परशुराम के आशीर्वाद से, बाबा महेंद्र नाथ के आशीर्वाद से अगले साल एक भव्य कार्यक्रम हम लोग करेंगे, जो कार्यक्रम एक इतिहास रचेगा, जो कार्यक्रम ये भी दिखाएगा, क्योंकि राजगीर की बात किया जाए, खैर हम लोग राजगीर की बात नहीं करेंगे क्योंकि एक कार्यक्रम है, उसमें क्या आपकी क्षमता, क्या आपको देखा जाता है, किस नजरिए से देखा जाता है, वो चीज बताने का काम अगले साल हम सभी करेंगे। सभी पीपल समाज, हर वर्ग, हर एक जात सभी से सहयोग लेकर के और भगवान परशुराम के मंदिर का निर्माण एक भव्य तरीके से परिकल्पना कर लिया जाएगा, लेकिन उसमें आप सभी का सहयोग चाहिए। एक मेरे अजीत उपाध्याय के प्रयास से नहीं होगा, यहाँ पे जो भी लोग बैठे हुए हैं, जो भी लोग हैं, हर किसी से हर कोई जुड़ा हुआ है, मुझसे 5 लोग जुड़े हैं, हो सकता है आपसे 25 जुड़े हो, आपसे 30 जुड़े हो, आपसे 50 जुड़े हो, हर किसी का अपना एक बैकअप है, हर किसी का अपना एक समाज है, उस समाज में इस मैसेज को फैलाना है, उस समाज से चंदा लेकर के, क्योंकि ब्राह्मण भिक्षा मांगता है, हम लोग भिक्षा में मांग करके मंदिर बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे। अगली कड़ी का हम चलते हैं, हमारे पास वक्ता है और सभी से कुछ भगवान परशुराम साहब करने के चाहेंगे कि अपने अपने बात रखें, अपने अपने मार्गदर्शन दें और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे और सभी का मार्गदर्शन लेने का प्रयास करेंगे। उसके पहले एक बार हम लोग जोर से भगवान परशुराम का जयकारा मना लेंगे। बाबा महेंद्रनाथ के धरातल के लिए कार्यक्रम हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, तो बाबा महेंद्रनाथ का भी एक बार जयकारा मना लेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे सारे कृति को उड़ा दी है, हमारे यश को,